गया में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिहार के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती महिला के साथ रेप करने का आरोप डॉक्टर पर लगा है और अस्पताल से छुट्टी के बाद घर लौटी महिला की मौत भी हो गई है। दरअसल रोशनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 24 साल की महिला लॉकडाउन के चलते अपने पति के साथ बीते 25 मार्च को लुधियाना से गया लौटी थी। वे 2 महीने गर्भवती भी थी। लुधियाना में उसे अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते उसका गर्भपात हो गया था। जब वह अपने ससुराल लौटी तो उसको ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद 27 मार्च को पति ने महिला को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया, लेकिन इलाज के बाद उसे 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण का संदिग्ध मानकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। वह वार्ड में अकेली रहती थी। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद में 3 अप्रैल को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और घर जाने के कुछ दिन बाद महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वहां रोजाना जांच करने आने वाले एक डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। न्यूज डेस्क।